सब्सक्राइब कीजिए धे आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भारत में आजादी से लेकर अब तक लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कई सारी योजनाएं और नीतियां बनाई गई। लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को लेकर काफी सारे दावे किए गए, लेकिन हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी सामाजिक गतिशीलता सूचकांक भारतीय नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इस सूचकांक में भारत को 82 देशों की सूची में 76वां स्थान मिला हुआ है। आज के अपने डीएनएस के इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सामाजिक गतिशीलता सूचकांक क्या है और साथ ही समझेंगे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी होने वाले इस सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 के बारे में। सामाजिक गतिशीलता से मतलब किसी व्यक्ति विशेष का अपने माता पिता के संदर्भ में ऊपर या नीचे की ओर सामाजिक आर्थिक गतिशीलता से है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सामाजिक गतिशीलता से मतलब एक बच्चे को अपने माता पिता से बेहतर जीवन का अवसर प्राप्त करने की क्षमता से है। इसी संदर्भ में सापेक्षिक सामाजिक गतिशीलता से मतलब किसी व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों पर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के प्रभाव का आकलन को कहा जाता है। सामाजिक गतिशीलता को स्वास्थ्य, शैक्षिक उपलब्धि से लेकर आयु तक के विस्तृत आयामों के द्वारा मापन किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं सूचकांक की जरूरत क्यों पड़ी। आधुनिक जीवन में सामाजिक गतिशीलता एक ज्वलंत मुद्दा है। हालांकि अत्यधिक गरीबी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार तो हुए हैं, लेकिन अन्य मानकों के संदर्भ में देशों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। इस बिगड़ती स्थिति के लिए अक्सर भूमंडलीकरण और प्रौद्योगिकी को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन रिपोर्ट में इसके साथ कई अन्य कारणों पर भी प्रकाश डाला गया है। उदाहरण के लिए अकुशल नीति और इनका अकुशल कार्यान्वयन। ऐसे में सामाजिक गतिशीलता को रोकने वाले समस्त कारकों की पहचान के लिए इस नए सूचकांक को तैयार किया गया है। जहां अन्य सूचकांक के द्वारा पीढ़ियों के दरमियान होने वाले सामाजिक गतिशीलता के परिणामों पर फोकस किया गया, तो वहीं सूचकांक में सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों पर फोकस किया गया है। सूचकांक में नीतियों, प्रक्रियाओं और संस्थानों को पर्याप्त जगह दी गई है, जिसके कारण ये संपूर्ण क्षेत्र के साथ पीढ़ियों के तुलनात्मक अध्ययन में हमें सक्षम बनाता है। आइए अब जानते हैं सूचकांक के प्रमुख मानक क्या क्या रहे हैं। सामाजिक बदलाव सूचकांक की रैंकिंग देशों की 5 कसौटियों पर परखी गई है, जिसके आधार स्तंभ इन 5 कसौटियों में शामिल हैं। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कामकाज और संरक्षण एवं संस्थान जैसे मामले शामिल हैं। इस सूचकांक में डेनमार्क 85 अंक के साथ पहले पायदान पर है। इसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड का नंबर आता है। शीर्ष 10 देशों की सूची में नीदरलैंड 6, स्विट्जरलैंड 7, ऑस्ट्रिया 8, बेल्जियम 9 और लग्जमबर्ग 10 पायदान पर है, जबकि सूची में भारत 76 स्थान पर है। जीवन शिक्षा के संदर्भ में भारत जहां 41 स्थान पर है, तो वहीं कामकाज की परिस्थितियों के आधार पर भारत 53 नंबर पर मौजूद है। भारत को जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सुधार करने की जरूरत है वो सामाजिक सुरक्षा और उचित वेतन का वितरण है, क्योंकि इनमें क्रमशः भारत को 76 और 79 स्थान पर रखा गया है। विश्व आर्थिक मंच की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सामाजिक बदलाव में 10% से न केवल सामाजिक एकता को लाभ होगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 2030 तक करीब 5% बढ़ सकती है। इस रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और आजीवन शिक्षा का सामाजिक बदलाव में सबसे बड़ा योगदान है। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि वैश्वीकरण और चौथी औद्योगिक क्रांति से जहां एक ओर लाभ मिला है, तो वहीं दूसरी ओर इससे असमानता भी बढ़ी है। चौथी औद्योगिक क्रांति ने श्रम बाजारों में अनिश्चितता पैदा कर दी है, खासकर उन देशों में जो इन नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार नहीं थे। इससे आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है। एक ओर जहां उच्च आय वाले देशों से कम आय वाले देशों की ओर कम कुशल श्रम की मांग का हस्तांतरण होने से असमानता बढ़ी है, तो वहीं तकनीकी के आगमन से कम
कुशल श्रमिकों की मांग में लगातार कमी आई है। इस रिपोर्ट में भावी चुनौतियों से निपटने के लिए एक रोल मॉडल भी प्रस्तुत किया गया है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। इनमें पहला सरकार के लिए और दूसरा व्यवसाय के लिए। सरकार को दिए गए सुझावों में सामाजिक गतिशीलता के लिए नए वित्तीय मॉडल को अपनाए जाने पर बल दिया गया है, जिसमें व्यक्तिगत आय में सुधार करना, धन के संकेंद्रण को रोकने वाली कराधान नीतियों को अपनाना, इसके साथ ही सार्वजनिक खर्च और नीतिगत प्रोत्साहन पर बल देना शामिल है। इसके साथ ही सरकार को शिक्षा की उपलब्ध गुणवत्ता और व्यक्ति के कौशल को विकास में वृद्धि के लिए नीति बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा के वित्त पोषण के संदर्भ में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के समन्वय पर बल दिया गया है। सरकार को दिए गए सुझाव में सामाजिक सुरक्षा अनुबंध भी शामिल है, जिसके तहत श्रमिकों को समग्र सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। इसके साथ ही इसमें तकनीकी परिवर्तन और औद्योगिक संक्रमण के संदर्भ में श्रमिकों को सुरक्षा उपलब्ध हो सके। वही इस रिपोर्ट में व्यवसाय को लेकर जो सुझाव दिए गए हैं, उसमें चयन प्रक्रिया में योग्यता की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, रिस्किलिंग और अपस्किलिंग के साथ साथ उचित वेतन देना भी शामिल है। इसके साथ ही प्रत्येक उद्योग के लिए विशिष्ट कार्य योजना भी बनाना शामिल है, जो उद्योगों की परिस्थितियों में ध्यान रखते हुए हो। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने के लिए सरकार और व्यवसाय के द्वारा समन्वित प्रयासों पर बल दिया गया है, क्योंकि बढ़ती हुई असमानता सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी के साथ साथ अनिश्चितता भी लाती है। लोगों का सार्वजनिक संस्थाओं, सार्वजनिक जीवन एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं से मोहभंग होता है, जिससे समाज में अव्यवस्था जन्म लेती है। इसके समाधान के लिए सरकार और व्यवसाय के द्वारा सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है, जिससे सबको आगे बढ़ने के लिए समान अवसर उपलब्ध हों।